माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज में हम लोग चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडरगत में कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 राइट प्रोवाइड किए गए, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं आज के सेशन में। नंबर 1 राइट से हमारा राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू हेल्थ एंड लाइफ। मीन्स कंज्यूमर को ये राइट प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर हैजार्डस डेंजरस हार्मफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि कस्टमर की हेल्थ या लाइफ के लिए क्या हो, डेंजरस हो, ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस वाले राइट में कंज्यूमर को एम्पावर और प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जनरली जो भी प्रोडक्ट दिए गए हैं, प्रोडक्ट जो सेल आउट किए जाते हैं, वो ISI स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स कुछ गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिकेशंस को स्पेसिफिकेशन जो मैंडेटरी किए हुए हैं, उस मैंडेटरी को और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट यदि होता है तो उसके लिए कस्टमर की जान जा सकती है, कस्टमर की लाइफ की वहाँ पर बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेस करते समय ISI मार्क को ऑब्जर्व करना है। फूड प्रोडक्ट परचेस करते समय FPO मार्क को आपको ऑब्जर्व करना है। ज्वेलरी परचेस करते समय आपको BS हॉलमार्क को आपको देखना है। ये यदि हॉलमार्क प्रोडक्ट के सर्विसेज के ऊपर है, डेट मीन्स कि वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उनके जो स्पेसिफिकेशन को क्या है, कंपनी ने फर्म ने उसे फॉलो किया है। नाउ कम टू सेकेंड राइट्स, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ही शी इंटेंड्स टू परचेज, इंक्लूडिंग इट्स इन्ग्रेडियंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वालिटी, डायरेक्शन टू यू। कंज्यूमर को यहाँ पे राइट प्रोवाइड किया गया है अबाउट द इंफॉर्मेशन। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो फर्म प्रोडक्ट बेच रही है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी है। लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन टू यूज़ और इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्ट, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को देना ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को परचेज कर ले तो उसे समझ में आ जाए कि इस वाले प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें दिया हुआ है। नाउ कम टू 3rd 1, राइट टू चूज़। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट एज पर हिज ऑन डिसीजन में कि कंज्यूमर मार्केट में एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कंज्यूमर के पास में ये राइट्स है अपना डिसीजन के लिए कि वो कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस करें। कंज्यूमर को कहीं कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। मोबाइल के एन नंबर ऑफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है सेम स्पेसिफिकेशन के, बट कंज्यूमर की चॉइस, अल्टीमेट चॉइस कंज्यूमर का है, अल्टीमेट डिसीजन कंज्यूमर का है कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को वो परचेस करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 4, दिस राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आप गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, कभी भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अप टू द मार्क नहीं है या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कंज्यूमर को ये राइट है, क्या दिया है, राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। देखिए नाउडेस जो फर्म क्या कर रही है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस सेल
बना के रखती है, वो इस टाइप की जो कंप्लेंट्स को हैंडल करती है, कस्टमर की बात को सुनती है, फर्म सुनती है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो रहा है, कस्टमर को नहीं हो रहा है, कोई डिफेक्टिव गुड्स चला गया है, फर्म ने ग्रीवेंसेस सेल बना के रखा हुआ है, कंज्यूमर क्या करेगा वहाँ पे अपनी कंप्लेंट को फाइल करेगा, वो जो ग्रीवेंसेस है कंज्यूमर का सुना जाएगा। तो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को, कंज्यूमर के कंप्लेंट को सुनना, ये जो राइट है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को दिया गया है। गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन और हिज डेंजरस। देखो कंज्यूमर को यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट टू सीक रिड्रेसल। कहाँ से रिड्रेसल देंगे, कंज्यूमर हैज़ ए राइट इन केस। देखो कहीं भी कोई किस बात का रिड्रेसल, इस बात का रिड्रेसल कि कंज्यूमर को यदि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं मिला है, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था रिलेटेड टू प्रोडक्ट, को डिफेक्टिव गुड्स दे दिया है, कोई ख़राब चीज़ दे दी है, कस्टमर को उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या दिया गया, राइट दिया गया, राइट टू सीक रिड्रेसल। ही मे बी प्रोवाइडेड विथ, क्या देखो कंज्यूमर को क्या रिलीफ मिल सकती है, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। कहीं भी कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो या तो उसको रिमूव करके देंगे या फिर रिप्लेस करके देंगे नया प्रोडक्ट। नाउ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, कस्टमर कंज्यूमर का कहीं भी कोई लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर को कंपनसेशन दिया जाएगा। एंड रिड्रेसल फॉर सेटअप बाय द गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर रिड्रेसल मशीनरी को सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। अब किस फोरम में आपको जानना है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस फोरम में आपको यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट को लॉक करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म। देखो यहाँ पे कंज्यूमर को किस बात को, आपको कंज्यूमर का यहाँ पर राइट क्या है, एक्वायर नॉलेज एंड कंज्यूमर को यहाँ पे वेल इन्फॉर्म्ड होना है अबाउट, वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट लाइफ। देखो कंज्यूमर को यहाँ पे थ्रू रिलेटेड टू प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करवाना, अवेयरनेस किस बात की क्रिएट करवाना कि मार्केट में तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ में जो है उस प्रोडक्ट्स में से रिलेटेड कहीं कोई हार्मफुल या डेंजरस चीज़ आती है तो उससे भैया आपको रिलीफ क्या मिल सकता है, आप कहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, आप अपनी कंप्लेंट कहाँ पे फाइल कर सकते हो, कौन व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, इस तरीके का जो एजुकेशन है कस्टमर को जो है दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन चलाया हुआ है जागो ग्राहक जागो, इस कैंपेन के तहत कंज्यूमर को क्या दिया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, कंज्यूमर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ बार बार क्या है दी जाती। तो ये था स्टूडेंट हमारे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, ये राइट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।